जनपद बलरामपुर में अंतर्राज्यीय डकैती करने के प्रायोजन से एकत्रित गिरोह का पर्दाफाश, 6 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 2 अदद गैस सिलेंडर, 3 अदद ऑक्सीजन सिलेंडर, 1 अदद रेगुलेटर, सलाई रिंच पेचकस टेस्टर, वाटर कटर, सिलेंडर खोलने वाला रिंच, रेगुलेटर मीटर, गैस कटर रॉड, गैस पाइप क्लिप, टॉर्च, लोहे की सरिया, लाइटर व 5 अदद मोबाइल फोन बरामद किए गए। श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद बलरामपुर श्री केशव कुमार के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्रीमती नम्रता श्रीवास्तव तथा क्षेत्राधिकारी नगर ब्रजनंदन राय के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक शैलेश सिंह, थाना कोतवाली नगर बलरामपुर एवं टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गई। नगर थाना क्षेत्र की टीम के द्वारा 22 तारीख में एक गैंग को पकड़ा गया है जो अंतर्राज्यीय गैंग है और इसमें 6 सदस्य हैं जो झारखंड राज्य के मूलतः रहने वाले हैं। इनके द्वारा योजनागत तरीके से बैंक में सेंध लगा के चोरी करने की प्लानिंग की जा रही थी और बिजलीपुर के पास से इनको पकड़ा गया है। 6 लोग अरेस्ट हुए हैं जिसमें से सेंध लगाने के लिए जो औजार का इस्तेमाल होता है, गैस कटर आदि, उसको बरामद किया गया है। इनमें से जो इनके मुखिया है, जो प्लानर है मेन, वो है तपन, जिसके ऊपर पूर्व में भी जनपद लखनऊ में और मुंबई में 2 अभियोग पंजीकृत हुए हैं चोरी के। ज्वेलरी शॉप में इनके द्वारा चोरी की गई थी और मुंबई में भी इसी प्रकार से डकैती की योजना बनाते हुए इनको पकड़ा गया था। इसमें से एक छोटू है जिनके खिलाफ GRP में अभियोग पंजीकृत है। ये सभी लोग झारखंड के रहने वाले हैं जिसमें राजमहल के जनपद साहेबगंज है, कथाना राजमहल है, वहाँ के रहने वाले हैं। इनको अरेस्ट किया गया है, सामान बरामदगी और पूछताछ के बाद इनको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।